वेलकम एक और शानदार वीडियो में दोस्तों। आज ही मैंने वेबसाइट बनाया और 10 दिन के बाद मेरे वेबसाइट किसी ने हैक कर लिया, फॉरगेट मार दिया, रीपासवर्ड कर दिया, क्या कर दिया, जो भी कर दिया। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी आपके वेबसाइट को हैक तो नहीं कर सकता। अब इसकी गारंटी मैं तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ इंटरनेट इसकी गारंटी ले रहा है। अब करना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जो भी कुछ ट्रिक मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रिक नहीं एक प्रोसेस बोल सकते हैं आप, वही प्रोसेस आप अपने वेबसाइट पर करना है, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है मेहताब और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान यूथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार है, हमें पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो बिल्कुल मिस ना हो। तो चलो मैं अपना लैपटॉप की स्क्रीन पर जाता हूँ और हम यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस अप्लाई करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में कि कोई चाह करके भी आपकी वेबसाइट को हैक नहीं कर सकता। इसकी गारंटी चलो मैं भी दे देता हूँ। आप मेरे वेबसाइट इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में मिलेगा, आप जाइए उसे कोशिश कीजिए। अगर आपके कामयाबी हासिल होती है तो मेरे तरफ से भी 10,000 के इनाम। लेकिन आई होप कि मैं पहले बता दूं कि ये आप नहीं कर सकते हो, ऐसा मैं कह नहीं सकता क्योंकि ये इंटरनेट है, कुछ भी हो सकता है। बट 99% आई होप कि यू कैन नॉट हैक माई वेबसाइट। वेल बहुत होगी बातचीत, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पर बताते हैं स्टेप बाई स्टेप कि आपको करना कैसे है। वेल फाइनली मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो किसी एक वेबसाइट के लॉगिन होने का जो हम पैनल है, जो पेज है, यहाँ पे हूँ। अगर मुझे डाउट भी होता है, अगर किसी के भी यूज़र नेम अगर मैं यहाँ पे फिल करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, अगर इतना भी नहीं तो यहाँ पे देखो ये वेबसाइट किसकी है यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अगर आप पासवर्ड को लॉस कर लेते हैं तो भाई आप जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे लोग है, कुछ लोग जो हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो यहाँ पे कुछ तो भी एक्टिविटी करके लॉगिन कर लेते हैं। ये गलती के कारण जो है नए ब्लॉगर की वेबसाइट जो अक्सर हैक होती है या किसी भी पर्सन से उनकी पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं बिना उनके इंफॉर्मेशन के। तो क्या मिस्टेक है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है या आप वर्डप्रेस की वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं तो भैया आप जो है इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल ना करना। ये भी यहाँ पे वेबसाइट है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वेबसाइट के बाद भी अगर आप यहाँ पे स्लैश और डब्ल्यू पे हाइफन देन अगर यहाँ पे एडमिन लिखते हैं तो सीधे आपके सामने ये जो है लॉगिन होने का जो एक पेज है जो गूगल की तरफ से वर्डप्रेस की तरफ से आता है वो यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, किसी के भी डाउट होता है, किसी पर्सन को डाउट हो गया कि आपका यूजर नेम क्या है तो यहाँ पे डाल करके वो छेड़खानी कर लेता है। अब रही बात यहाँ पे मेरी वेबसाइट की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा वेबसाइट भी यहाँ पे है, यहाँ भी इसका यूआरएल आपको दिख रहा है। अगर इस यूआरएल के सामने अगर मैं यहाँ पे /wp देन हाइफन और एडमिन लिखता हूँ तो क्या मुझे ये वेबसाइट हमें पैनल लॉगिन करने का फीचर देता है? बिल्कुल यहाँ पे देख रहे हो नहीं दे रहा है। यहाँ पे 404 का एरर आ रहा है, मतलब कि फाइनली हमारे वेबसाइट को जब कोई हमारे वेबसाइट का एड्रेस ही नहीं पता है, लॉगिन एड्रेस, तो भैया उसको पासवर्ड को कैसे चेंज करेगा, कैसे यहाँ पे फॉरगेट करेगा, कैसे न्यू पासवर्ड जनरेट करेगा। ये सारे यहाँ पे सबसे बड़ी सेफ एक वे आप कह सकते हैं कि हम जब आपको अपना एड्रेस ही नहीं बताएंगे तो भैया आप हमारे घर पे चोरी कैसे करोगे। वेल ये सारे प्रोसेस कैसे करते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली मैं एक मेरे पास एक वेबसाइट है मेरे क्लाइंट के, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे हूँ और मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। अभी यहाँ पे सामने आपको दिख पा रहा है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे प्लगइन में। प्लगइन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एड ए न्यू एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे पेज आ जाएगा जैसे कि आप हमेशा की तरह यहाँ पे एक आपको WPS और यहाँ पे हाइड लॉगिन लिखना है और एक आपको प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल करना है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे सर्च कर दीजिए और आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एक प्लगइन आ गया है जिसका एक्टिव यूजर जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और ये रेटिंग इसका तो आप देख ही पा रहे हैं कि क्या है इसकी रेटिंग। वेल फाइनली हमें इसे इंस्टॉल करना है तो आप जो है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आज के समय में इतने स्मार्ट लोग हैं जो इसे ईजी ही चेंज कर लेते हैं, राइट। फाइनली वहाँ हमारा जो प्लगइन इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आना है वो यहाँ पे WPS हाइड लॉगिन यहाँ पे आ गया है। सेटिंग में आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेटिंग में आपको क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में एक और पेज आपके सामने इस तरह से आ जाता है। तो फाइनली हमारे पेज टोटल ओपन हो गया है, यानी कि फुल्ली हमारा पेज यहाँ पे ओपन शो हो रहा है।
और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पे जो मेन जो इम्पोर्टेंट है वो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है भैया। आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो लॉग इन यू आर एल, और यहाँ पे आपको चीज़ आपके सामने शो कर रहा है, और यहाँ पे जो है इसका फाइनल 404 का एरर कोड भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो अब आपको करना क्या है, फाइनली अभी यहाँ पे आप क्लिक करना है, आपको क्लिक करने के बाद में इसे यहाँ से मिटा देना है। मिटाने के बाद में जो है यहाँ पे कुछ मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राइट एयर के बाद यहाँ पे हाइफन, हाइफन के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ ओके, ओके एयर हाइफन ओके, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो राइट। अभी यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। फाइनली हम अभी इस वेबसाइट को यहाँ पे करते हैं हम लॉग आउट। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है वो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्या लिखा था हमने एयर हाइफन ओके। अभी मैं इस वेबसाइट को यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। अभी ये फाइनली वेबसाइट हमारा लॉग आउट हो चुका है। अभी मैं यहाँ से इसे बिल्कुल हटा देता हूँ, एक नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे उसी वेबसाइट को सर्च कर लेते हैं www.megagyan.com megagyan.com। वेल फाइनली ये वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है। इसका डार्क मोड इनेबल है इसलिए ये ऐसे दिख रहा है। अगर हम इसे डार्क मोड हटा देते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। ये वेबसाइट भी मैंने ही बनाया है। अगर आप मुझसे वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत ही लो प्राइस में मैं आपको वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। आप जिस भी तरह की वेबसाइट बोलेगा वैसे वेबसाइट मैं बना के दे सकता हूँ। अगर मुझसे वेबसाइट बनवाना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पर जा करके मुझसे बात कर सकते हैं कि आपको कैसे वेबसाइट बनवाना है। मैं आपको बिल्कुल इजी विद इन 10 डेज के अंदर मैं आपको वेबसाइट बना के दे दूंगा। फाइनली ये वेबसाइट यहाँ पे आ चुका है और अभी मैं इस वेबसाइट को अभी यहाँ पे अपन जैसे सेम यहाँ पे जो भी प्रोसेस हमने लगाया है वही प्रोसेस हमने फिर यहाँ पे लगाना है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं अपन स्लैश और WP। अभी तक ये जो वेबसाइट है इस एड्रेस से लॉग इन हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी तक इस एड्रेस से लॉग इन हो रहा था। अभी हम इसे इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद में क्या हमें लॉग इन पेज मिलता है, देख रहे हो बिल्कुल लॉग इन पेज नहीं मिल रहा है। अभी लॉग इन पेज हमें तब मिलेगा जो हमने वहाँ पे डाला था। तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे कि यहाँ वेबसाइट, उसके बाद यहाँ पे स्लैश, स्लैश के बाद हमने डाला था एयर, एयर के बाद डाला था हमने हाइफन, हाइफन के बाद डाला था हमने ओके, ओके। अब ओके डालने के बाद यहाँ पे ओके में क्लिक करूंगा और डायरेक्ट मेरा यहाँ पे लॉग इन होने का जो पैनल है पेज है वो यहाँ पे आ गया है। आई होप कि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपल सी एक प्रोसेस था, आप अपने वेबसाइट पे अप्लाई कर दीजिए। रीसेट पासवर्ड मारने की दूर की बात है भाई, हमारे आपके घर पे जाने का एड्रेस ही पता नहीं तो मैं फिर आपके घर पे चोरी कैसे करूँगा राइट। ये सबसे बड़ी बात है, हम आपके घर पे नहीं जा सकते तो हम आपके घर पे चोरी कैसे कर सकते। थैंक्स वॉचिंग, टेक केयर, गुड।